नमस्कार इग्नो रीजनल सेंटर कोची ने एन ई पी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी में किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इस बारे में इस वीडियो को हम हाईलाइट करेंगे इग्नो रीजनल सेंटर कोचिन ऑन द ट्रैक ऑफ एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी जैसा आपको पता ही होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 29 जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था और ये हमारे देश का 21 सेंचुरी का सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी है और ये जो पॉलिसी है बेसिकली चार पिलर्स पे है जिसका जो है एक्सेस इक्विटी क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इस पॉलिसी के भाग के द्वारा जो हमारा ओल्ड टेन प्लस टू का जो स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस होने वाला है 5 3 4 स्ट्रक्चर से जिसमें 12 वर्ष स्कूल और 3 वर्ष आंगनवाड़ी और प्री स्कूल होगा काफी सारे पत्र माध्यमों में इसके बारे में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आया हुआ है और Uh, जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको ये डेकन हेरल्ड ने जो कहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च इन 2020 गिव्स अ विजन फॉर अ न्यू एजुकेशन सिस्टम टू बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इसके अलावा जो आउटलुक इंडिया में आया था कंक्लूशन ऑफ एन 2020 uh, के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल्स अंडरस्टैंडिंग एंड न्यू लर्निंग मेथड्स इन एवरी चाइल्ड इसके बारे में और इसके कुछ हाइलाइट्स पे फोकस किया गया है जैसे फ्रीडम ऑफ चूजिंग एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम्स विद नो बाउंडेशन गिविंग इंपॉर्टेंस टू द इंडियन लैंग्वेजेस एंड एथिक्स इक्वालिटी इन कास्ट जेंडर एंड कैटेगरी और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इसके अलावा हिंदू द हिंदू न्यूज पेपर में जो आया था एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंडियन इथोस इंडिया टूडे के इसमें भी ये आया हुआ है जैसे कि हाउ एन इी हेल्प स्कूल इन एनहसिंग स्किल डेवलपमेंट स्टूडेंट हाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर एजुकेशन इन इंडिया तो ये सब पत्र माध्यमों में इतने सारे जो आर्टिकल्स आए हैं उनके बेसिस पे इग्नो ने नैशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग बाय इग्नो ये जो लॉन्च हुआ था आ, 2022 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो वर्ष हो चुके थे लॉन्च हुए ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन 2020 है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम है जैसे कि आप जानते होंगे जो हायर एजुकेशन में पढ़ाने वाले जो अध्यापक गण हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें वो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और को कोई भी अध्यापक गण जो कॉलेज लेवल में पढ़ा रहे हैं वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लिंक के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं https टी टी पी एस इग्नो एन इसके अलावा एक टू क्रेडिट स्वयं कोर्स भी है जो नेशनल एन ई जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और जनरल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हायर एजुकेशन के लिए बना हुआ है ये जो कोर्स है टू क्रेडिट का ये इनाग्रेट हुआ था फर्स्ट फेब्रवरी 2023 में इस कोर्स के बारे में जो ब्रोशर है इस इस ब्रोशर के द्वारा आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इग्नो रीजनल सेंटर कोचिन ने एक अच्छे पैमाने से एन के लिए इसको पॉपुलराइज करने के लिए काफी आ, काफी चीजें की हैं जैसे कि एक तो हमारा इग्नो रीजनल सेंटर कोचिन का यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल में एन ई प्लेलिस्ट करके एक प्ले है इस प्ले में काफ़ी सारे वीडियोस उस जो है वो न्यू एजुके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है फ्रॉम कंटेंट कवरेज फ्रॉम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनई टू इंडिविजुअल थीम्स काफी सारे एनईपी के कंटेंट्स इस प्ले में आप ऑलरेडी अपलोडेड है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज इग्नो रीजनल सेंटर कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और एनई पी में जाएंगे तो आप इस कंटेंट को फ्री फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा हमने एनई पी प्रोग्राम में रजिस्टर करने का भी एक वीडियो बनाया है ये जो वीडियो है हमारे चार लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जैसे कि इंग्लिश हिंदी मलयालम और तमिल तो आप इस वीडियो को भी इस प्लेलिस्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं इसके इग्नो रीजनल सेंटर कोचिंग काफी सारे प्रमोशनल मीटिंग और अवेयरनेस मीटिंग्स करते हैं रेगुलरली कंडक्ट करते हैं और ये जो मीटिंग्स हैं ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं और ये काफी सारी भाषाओं में है जैसे कि इंग्लिश में है हिंदी में है मलयालम में है और तमिल में है तो अगर आपको इग्नो के बारे में प्रमोशन मीटिंग्स और अवेयरनेस मीटिंग्स के वीडियोस अगर आपको एक्सेस करने तो आप प्लीज इग्नो रीजनल सेंटर क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्रमोशन मीटिंग स्लैश अवेयरनेस मीटिंग वाले प्ले को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रमोशनल मीटिंग और अवेयरनेस मीटिंग के सारे वीडियोज आप इन लैंग्वेजेस में आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी मलयालम और तमिल इसके अलावा जो प्रमोशनल मीटिंग्स का जो कंटेंट अगर मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में बताऊं तो हमारा जो कंटेंट है बेसिकली प्रोग्राम स्पेसिफिक होता है प्रमोशनल मीटिंग्स का जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं इकनों के प्रोग्राम्स के बारे में इसके अलावा हम NEP के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं और स्वयं पोर्टल के बारे में भी इस वीडियोस में देते हैं। सबको पता ही होगा जैसे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो में के एक भाग रूप है ये और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेस ऑफ इग्नो काफी सारे कोर्सेस जो हैं वो स्वयं पोर्टल में इग्नो के आप एक्सेस कर सकते हैं और इग्नो के जो चैनल बेस्ड काउंसलिंग सेशन है ये भी आप लाइव मलयालम में सुन सकते हैं हमारे स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का जो फर्स्ट मेंशन है वो हुआ है एनईपी डॉक्यूमेंट वन इलेवन में जिसमें एक टूवर्ड्स मोर होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में फोकस किया गया है और पर्टिकुलरली अगर आप 11.9 सेक्शन पे जाएंगे तो एक डिग्रीज और जो जो डिग्री प्रोग्राम्स है उनका एक स्ट्रक्चर के बारे में स्पेसिफिक फोकस दिया गया है एकेडमिक अवार्ड्स इन ए डिजिटल फॉर्मेट भी इग्नो ने शुरू कर दिया है थर्टी सिक्स कॉन्वकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये पहली बार जो डिग्रीज है डिजिटल डिग्रीज इशू की गई हैं ब्लॉक चें थ्रू अलावा हमारे जो एकेडमिक्स हैं रीजनल सेंटर के उन्होंने काफी सेमिनार्स uh, और इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है और इसके एक इवेंट में जो पार्टिसिपेट किया था वहां पर भी उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में शेयर किया गया था इसके जो कुछ प्रेस क्लिपिंग्स हैं वही आपको दिखा रहे हैं इसके अलावा जो एकेडमिक्स वो एक ऑनलाइन सेमिनार भी हुआ था एबीसी और क्वालिटी में इसके में भी एनईपी के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट्स के बारे में भी शेयर किया था और ये ऑर्गेनाइज किया था सेंट लूशियस कॉलेज त्रिशूर केरला में तो अब तीसरा एनिवर्सरी आ चुका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और हमारे जो एकेडमिक्स है इग्नो रीजनल सेंटर कोची के सारे एकेडमिक्स इन थीम्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे इतने सारे थीम्स दिए गए हैं जिसके ऊपर पब्लिकेशन या आर्टिकल्स के थ्रू एकेडमिक्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो और वो जरूर करेंगे भी इग्नो रीजनल सेंटर कोचिंग से तो इतने सारे जो स्टेप्स हैं वो इग्नो रीजनल सेंटर कोचिंग ने किया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पॉपुलराइज करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सहभाग्यता uh, जो इग्नो रीजनल सेंटर कोची की है इसके बारे में आप लोगों ने ये छोटा सा हमारा एक वीडियो देखा तो इससे मैं uh, इतना ही कहना चाहूँगी अंत में कि इग्नो रीजनल सेंटर कोची इज ऑन द ट्रैक ऑफ एन ई धन्यवाद